तो बच्चों वेलकम टू रितु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 8 भाई को पत्र का अभ्यास करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे शब्दों के अर्थ जाने। उत्सव, उत्सव का मतलब होता है त्योहार। आवश्यकता, कोई जरूरत। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। उदाहरण मतलब नमूना। मतवाले मीन्स मस्त। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 2 पार्ट से। सबसे पहले है यश को पत्र किसने लिखा, बताइए किसने लिखा था। वेरी गुड, उसकी बहन ने, वैशाली ने। यश को पत्र उसकी बहन वैशाली ने लिखा। नंबर 6 देखेंगे स्वतंत्रता दिवस के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम हुए, कौन कौन से हुए थे। वेरी गुड, देखें हम यहाँ पढ़ते हैं स्वतंत्रता दिवस के दौरान समूहगान, समूह नृत्य और खेलों का आयोजन हुआ। चलिए अगला देखते हैं नंबर 11 वैशाली ने किस किस कार्यक्रम में भाग लिया, कौन कौन से में भाग लिया था उसने। वेरी गुड, वैशाली ने कविता पाठ और कैरम में भाग लिया। अगला देखते हैं घर नंबर उत्सव वाले दिन क्या विशेष घटना घटी, क्या घटी थी याद है ना आपको, वही यहाँ पर लिखनी है। क्या हुआ था कि दौड़ते हुए एक लड़की गिर पड़ी, दौड़ने वाले सभी बच्चे उसके पास आ गए और उसे संभाला, फिर उसे साथ लेकर दौड़ने लगे। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी किताब में लिखने हैं। अच्छा आप बताइए कि आप अपने विद्यालय में किन किन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। 15 अगस्त पे लेते हैं, 26 जनवरी पर, बाल दिवस पर भी, और भी बहुत सारे ओकेजन्स हैं, है ना। चलिए नंबर 6 देखते हैं आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है, अपने शब्दों में बताएं। और हो सकता है आप अगर लिख सकते हैं तो अपने शब्दों में, ये कुछ शब्दों में लिख कर भी बताएं, ठीक है, अपनी कॉपी में। और आपका प्रिय खेल कौन सा है और उसका क्या कारण है, ये भी एक सिर्फ 3-4 लाइनों में आपको लिखकर बताना है। अब देखिए बच्चों नंबर 4 पर पढ़ें, बोलें और लिखें। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है वही आपको पढ़ना है और यहाँ पर लिखना है। चलिए हम पढ़ते हैं, ये क्या लिखा है, उत्सव। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है उत्सव, आपको भी इसी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट है कार्यक्रम, क्या है यह, कार्यक्रम यहाँ पर आपको लिखना है। यह है नृत्य। नेक्स्ट आवश्यकता, मुख्याध्यापक, इन सभी शब्दों को यहाँ लिखना है सामने। अगला नंबर 5, इसमें क्या करना है, नंबर 5 में करना है सही मिलान करें। देखिए सबसे पहले है 15 अगस्त, 15 अगस्त को कौन सा फेस्टिवल होता है, नेशनल फेस्टिवल होता है। वेरी गुड, स्वतंत्रता दिवस होता है, स्वतंत्रता दिवस का उत्सव 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो हम इसको मैच कर देंगे। अगला देखेंगे 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर क्यों, क्या होता है, गांधी जयंती। वेरी गुड, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 14 नवंबर को क्या होता है, बाल दिवस। वेरी गुड, और 5 सितंबर को होता है शिक्षक दिवस। आपको भी ऐसे ही अपनी बुक में मैच करने हैं। अब नीचे क्या करना है, इसमें नंबर 6 में नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही व गलत का निशान लगाएं। अगर सही है तो हम ऐसे टिक लगा देंगे, गलत है तो क्रॉस कर देंगे। नंबर 6 स्वतंत्रता समारोह में समूह गान एवं समूह नृत्य आयोजित हुए थे। वेरी गुड, हुए थे, तो हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। नेक्स्ट देखेंगे
वैशाली ने अपनी बहन को पत्र लिखा। वैशाली ने अपनी बहन को पत्र लिखा था या भाई को लिखा था? भाई को लिखा था, तो ये क्या है? रॉन्ग है, गलत है, तो क्रॉस लगाएंगे। अब है नंबर ग्यारह, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए ऊपर भी मैच किया ना हमने, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। ये ठीक है, राइट टिक करेंगे इस पे। नंबर घ, समारोह के दौरान हॉकी का खेल आयोजित किया गया। कौन सा खेल हॉकी का किया गया था आयोजित? नहीं ना, तो यह गलत है, तो गलत का निशान। नंबर है, दौड़ के दौरान एक लड़की गिर पड़ी, तो ये भी ठीक है, ठीक का निशान लगा देंगे। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। देखिए नंबर 7, भाषा की बात। यदि संतरा, केला, पपीता और आम फल हैं तो नीचे लिखी चीज़ों के समूह को क्या कहते हैं? लिखें। तो देखिए सबसे पहला क्या नंबर देखेंगे, लड्डू, पेड़ा, जलेबी, घेवर, बालूशाही, बर्फी, क्या हैं ये सब? मिठाइयाँ। मुँह में पानी आ गया ना सुन के, ये हैं मिठाइयाँ। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? मिठाई। नेक्स्ट देखते हैं, आलू, गोभी, करेला, भिंडी, टमाटर, मिर्च, ये सब क्या हैं? वेरी गुड, सब्जियाँ है ना, तो हमें यहाँ लिखना है सब्जी। नेक्स्ट, कुर्ता, धोती, सलवार, दुपट्टा, पगड़ी, घाघरा, क्या हैं ये सब? क्या हैं? कपड़े पहनते हैं ना, वही हैं। तो और क्या कहते हैं इसे? हम वस्त्र कहते हैं कपड़ों को, ये क्या है? वस्त्र। नेक्स्ट देखते हैं, पंचकुला, सिरसा, जींद, पलवल, करनाल, रोहतक, किनके नाम हैं ये सब? जिलों के नाम है ना, तो क्या कहेंगे हम? और यहाँ क्या लिखेंगे? जिला। नेक्स्ट देखते हैं, कोयल, कोआ, बुलबुल, मोर, गुरैया, तोता, ये सब क्या हैं? पक्षी, तो यहाँ लिखेंगे पक्षी। नेक्स्ट, गाय, बैल, भैंस, ऊंट, बकरी, भेड़, ये सब क्या हैं? पशु, यहाँ लिखेंगे हम पशु। देखिए नेक्स्ट क्या है, ये नंबर 8 पर रंग भरें। ये क्या नज़र आ रहा है आपको? ये है हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा झंडा। इसमें हमें कलर करना है, इसमें केसरिया, इसमें हरा रंग और इसमें सफ़ेद तो ऑलरेडी है ही, और बीच वाले में कौन सा करना होता है अशोक चक्र में? ब्लू कलर, नीला रंग। और यहाँ पर आप ब्राउन कर सकते हैं, और जिसकी जो ये रस्सी है इस पर आप येलो या फिर ब्राउन कलर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा अभ्यास आपको बड़ी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।